जहरा सलाम अलैहा बुलंद तरीन सलवात। खुशनुदी जनाब अबू तालिब अलैहि सलाम बुलंद तरीन सलवात। आबाद रहे, आबाद रहे। सरकार, अगर आप लोग जो पीछे बैठे हुए हैं बुरा ना माने, नाजिम का हुक्म है कि अगर आप लोग बुरा ना महसूस करें तो आगे तशरीफ ले आएं, आगे काफी जगह है यहाँ पर मौजूद। और खास तौर पर नौजवान जो मुझे नजर आ रहे हैं, अगर नजदीक आ जाएंगे तो पढ़ना भी बेहतर हो जाएगा और सुनना भी। दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। माशाल्लाह माशाल्लाह सलामत रहे। तमाम बुजुर्गों से सीनियर से इजाजत के साथ, खास तौर पर अल्लामा साहब से इजाजत के साथ, मौला हुसैन इनके वलवले और जज्बे में मजीद और इजाफा फरमाए। जिस तरीके से ये निजामत करते हैं, हम जैसे पढ़ने वालों को भी हौसला डबल हो जाया करता है और फिर आप लोगों की समातों तक पहुंचने में हमें आसानी महसूस होती है। एक मरतबा दुरूद पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। चार मिसरे बीवी की बारगाह में पेश करूंगा। वो रातें सब निखारी जा रही हैं। वो रातें सब निखारी जा रही हैं। विला में जो गुजारी जा रही है वो रातें सब निखारी जा रही हैं। विला में जो गुजारी जा रही है, सरे महशर उदुए फातिमा की नमाजें मुंह पे मारी जा रही है। सरे महशर उदुए फातिमा की नमाजें मुंह पे मारी जा रही है। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। सरकार दो जहान की अजीम साहबजादी इन दिनों में इस जमीन पर तशरीफ लाई और पता नहीं क्यों हम मोमिनीन के दिलों में ये आग लगी रहती है कि जो जो उनके मुखालफिन थे उन पर तबर्रा हम करते रहे। अच्छा, ये सोच कर नहीं आते हम लोग, पता नहीं क्यों दिल चाहता है अंदर से जब भी कोई तस्करा हो तो ये खुद ब खुद हो जाता है, हम जानबूझ के नहीं करते। चार मिसरे इस तखय्युल को ज़हन में रखिएगा, इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। खुदा से रब को जैसे वुजू मजबूर करता है, खुदा से रब को जैसे वुजू मजबूर करता है कि जैसे साथ मिलने को रुफू मजबूर करता है। तवज्जो चाहूंगा सरकार, खुदा से रब को जैसे वुजू मजबूर करता है कि जैसे साथ मिलने को रुफू मजबूर करता है। कसम रब की उदुए सैयदा का नाम सुनते ही तबर्रे को मुझे मेरा लहू मजबूर करता है, मजबूर करता है। कसम रब की उदुए सैयदा का नाम सुनते ही तबर्रे को मुझे मेरा लहू मजबूर करता है। दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले वाले। पांच से छह अशआर कलाम के आपके समाप्त मानस करूंगा बुजुर्गों से, खास तौर पर इजाजत के साथ, क़िबला से इजाजत के साथ। एक मशहूर सलाम है मीर अनीस का, उसका एक मिसरा है, आसमां को फौक किया अर्शे उला के सामने। तो बड़ा मशहूर मिसरा है, बड़ा मशहूर सलाम है मीर अनीस का। ये तरह दी गई थी हमें, तो दो से चार अशआर इंशाल्लाह तरह के आपके समाअत मुनस करूंगा। और ये बड़ा मुश्किल मिसरा था मेरे लिए, जब मुझे पहली दफा क़िबला मिला तो ये लफ्ज फौक जो था ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी कम इल्मी को कबूल करता हूं, तस्लीम करता हूं, लेकिन जब मैंने असातज़ा से पूछा तो उसको बताया कि फौक से मुराद मीर अनीस की फौकियत के है। सो मीर अनीस ने जो लफ्ज कह दिए लुगत का हिस्सा बना दिया। तो आसमां को फौक क्या अर्शे उला के सामने, आसमां को फौक क्या अर्शे उला के सामने,
और फौत क्या अरशे उला को करबला के सामने, फौत क्या अरशे उला को, फौत क्या अरशे उला को करबला के सामने, काबे की मट्टी पे सजदा झुकी क्या झुक दी गई, काबे की मट्टी पे सजदा झुकी झुकती गई जब रखा मैंने उसे खाके शिफा के सामने, जब रखा मैंने उसे, जब रखा मैंने उसे खाके शिफा के सामने, काबे की मट्टी पे सजदा झुकी झुकती गई जब रखा मैंने उसे खाके शिफा के सामने, देखते हैं किसकी पहले बर मुरादें आई, दावा देखिएगा इंशाल्लाह दलील के साथ, देखते हैं किसकी पहले बर मुरादें आएंगी, तुम झुको काबे के और मैं करबला के सामने, तुम झुको काबे के और मैं करबला के सामने, तुम झुको काबे के और मैं करबला के सामने, हुरमला तेरे बदन का खुश्क हो जाएगा खून, हुरमला तेरे बदन का खुश्क हो जाएगा खून, आ जरा छह माह के शेरे खुदा के सामने, आ जरा छह माह के शेरे खुदा के सामने, आ जरा छह माह के शेर खुदा के सामने, बड़ा खूबसूरत शेर है सरकार, और जिस शेर के लिए मैंने चार शेर आपको सुनाए हैं आपकी समाअत पेश करूंगा, आ जरा छह माह के शेर खुदा के सामने, गोद में शब्बीर और पहलू में शब्बर देखकर, खास तौर पर तवज्जो चाहूंगा, गोद में शब्बीर और पहलू में शब्बर देखकर मर्जियां रख दी खुदा ने मर्जिया के सामने, मर्जियां रख दी खुदा ने, मर्जियां रख दी खुदा ने, गोद में शब्बीर और पहलू में शब्बर देखकर मर्जियां रख दी खुदा ने मर्जिया के सामने, सजदा करके बस अली ने ये नुसैरी से कहा, सजदा करके, सजदा करके बस अली ने ये नुसैरी से कहा, अरे झुक गया तेरा खुदा मेरे खुदा के सामने, झुक गया तेरा खुदा मेरे खुदा के सामने, खुशनूदी है जनाबे सैयदत फातिमा तुज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा बुलंद तरीन सलवात।